हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सो रिसेंटली आई हैव रियलाइज्ड कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल साइंस में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें हमेशा कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहती है और कोई क्लैरिटी प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, एंड समटाइम्स हम हिचकते भी हैं उनके बारे में पूछने के लिए. तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए ये एक यूनिक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आज क्लियर करूंगी. And that is, what is the difference between new public administration and new public management? हम सभी ने NTA और NPM के बारे में सुना है, पर हमेशा students के मन में ये confusion होता है कि पहले को new public administration क्यों बोला गया और दूसरे को new public management क्यों बोला गया. एक को नए सार्वजनिक प्रशासन क्यों बोला गया और दूसरे को नई सार्वजनिक प्रबंधक क्यों बोला गया. ये एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड और मैनेजमेंट वर्ड में फर्क क्या है? सो आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन क्लियर करूंगी. तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों शब्द को समझने के लिए हमें ये समझने की जरूरत है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है. न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 1 के थ्रू अडॉप्ट किया गया था, पॉपुलराइज हुआ था 1968 में, और उस टाइम पे बात की गई थी टू ब्रिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वर्क. जिस तरह से सार्वजनिक प्रशासन काम करती है उसको बदलने की, उसमें रिफॉर्म सुधार लाने की बात करते हुए ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया आया, जिसमें ये बोला गया कि अब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि सार्वजनिक प्रशासन है, दे हैव टू बिकम मोर पॉलिटिकली अवेयर, मोर सोशली ओरिएंटेड एंड शुड फॉलो इक्विटी एज एन आइडिया टू इनिशिएट एंड इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी. यानी कि ये बोला गया कि अब सार्वजनिक प्रशासन को दक्षता तो सुनिश्चित रखनी ही है, एफिशिएंसी तो बनना ही रखनी है, पर इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पे जागरूकता लाने की जरूरत है, सोशली अवेयर यानी कि सामाजिक तौर पे जो लोगों के मूल्य और हित है उनकी जानकारी होनी चाहिए और उसी हिसाब से काम होना चाहिए. यानी कि उनको ज्यादा बोला गया कि अब वो जनता के हितों को समझने की कोशिश करें, लोगों के इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तक वो बिल्कुल इससे एलियनेटेड थे, यानी कि बिल्कुल सेपरेट थे. एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना देना नहीं था कि पॉलिटिकली क्या चल रहा है, सोशली क्या चल रहा है. उनका काम था सिर्फ पॉलिसीज को लागू करना. तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे फोकस था कि नहीं, अब आपको सोसाइटी की तरफ ध्यान देना है कि जब आप पब्लिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, क्या वो सही से इनिशिएट हो रहा है या नहीं, और उनके क्या वैल्यूज और डिमांड्स है, उनको ध्यान में रख के इम्प्लीमेंटेशन का काम होना चाहिए. ओके, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली स्टेट को जो एक ड्यूटी दी गई थी, राज्य के पास जो उत्तरदायित्व है सोसाइटी का वेलफेयर करने का, उसमें बदलाव लाने के बारे में बात की. पर अभी भी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के अंडर ही रखी गई, एक राज्य के अंदर, एक सरकार के अंतर्गत ही रखी गई, कि सरकार से बेहतर, सार्वजनिक प्रशासन से बेहतर कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोच सके. पर वहां फिर आता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का आइडिया, जो मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 2 के अंतर्गत आया 1988 में. 1980s एंड 1990s के टाइम पे न्यू लिबरल रिफॉर्म्स यानी कि नव उदारवाद सुधार का को बढ़ावा दिया गया, पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिसमें ये बोला गया कि स्टेट अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा पा रहा है. स्टेट जिसको ये ड्यूटी दी गई थी वेलफेयर को एंश्योर करने की, कल्याणकारी नीतियां बनाने की, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, इसलिए अब उन्हें एक प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करना शुरू करना चाहिए. प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जिस तरह एफिशिएंसी बनाई रखी जाती है, जिस तरह इफेक्टिवनेस बनाई रखी जाती है, प्रॉफिट पे ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया जाता है, यही सब चीजें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना चाहिए. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी अब प्राइवेट की तरह ही प्रॉफिट वाले एंगल पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पे ध्यान देना चाहिए. पर बात ये आती है कि इसको मैनेजमेंट क्यों बोला गया और उसको एडमिनिस्ट्रेशन क्यों बोला गया. तो स्टूडेंट्स, वो इसीलिए क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि राज्य को एक मैनेजिंग बॉडी की तरह बनाने के बारे में बात की गई.
आप सभी को पता है कि मैनेज यानी कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, कि चीजों को किया जाए, इनिशिएट किया जाए, खुद नहीं किया जाए बल्कि लोगों से बोला जाए कि आप ये कार्य ऐसे करो। यानी कि मैनेजमेंट का जो आइडिया है वो गाइडेंस पे काम करता है, वो डायरेक्शन पे काम करता है कि आप लोगों को डायरेक्ट करो, गाइड करो कि उन्हें किस तरह से कार्य करना चाहिए, खुद ये कार्य मत करो। सो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का आइडिया है स्टूडेंट, वो प्रमोट करता है निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के आइडिया को, आउटसोर्सिंग को, विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन को, कि आप उनको ये कार्य दे, आप उनको ये एक्शंस और वर्क करने दें जो इसमें एक्सपर्ट है, खुद मत करिए, क्योंकि आप जब कर रहे थे तो आपके पास एक्सपर्टी नहीं थी और इसलिए करप्शन बढ़ रहा था, इनइफेक्टिवनेस बढ़ रहा था, तो यू डोंट डू दैट वर्क, गिव दैट वर्क टू समवन एल्स हु इज बेटर देन दैट। सो ये जो मैनेजमेंट का आइडिया ये बात करता है टू डायरेक्ट, टू गाइड, यानी कि रादर देन बिकमिंग एन एनेबलर बिकम अ फैसिलिटेटर। ओके, कि आप फैसिलिटेट करें उन्हें सिचुएशंस, एनवायरमेंट कि वो उसके अंडर काम कर सके। जैसे आप आजकल देखते हैं स्टूडेंट कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट अपनी ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल के टाइम पे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि नेशनल हाईवेज जो बनते हैं वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है बनाने के लिए, एंड बाद में गवर्नमेंट उस पर अपना कंट्रोल ले लेती है। तो मतलब गाइडेंस की बात यहां हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है कि आप मैनेज करो, लेट अदर्स डू दैट वर्क। पर एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो कहता है कि नहीं, सारा काम आप करो, आप एडमिनिस्टर करो एवरीथिंग। एडमिनिस्टर मतलब प्रशासन आप करें, सारा काम आप करें। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड स्टेट को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की बात करती है, वाइल जो मैनेजमेंट वर्ड है वो बात करती है कि आप अपना काम किसी और को दें, गाइड जरूर करें, डायरेक्शन दें, पर खुद ना करें, लेट द एक्सपर्ट हैंडल दिस। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। जो एक इम्पॉर्टेंट डाउट है वो आज आपका क्लियर हो गया होगा, और ऐसी मैं बहुत सारी सीरीज फ्यूचर में भी लाती रहूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नाउ इन सम अदर क्लास। मेरा नाम प्राची शर्मा है, आई एम दी पेपर टू पॉलिटिकल साइंस फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट डाउन कि आपको ये कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे कॉन्सेप्ट लाऊं या नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।